तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। साहिर लुधियानवी की कलम और एसडी बर्मन के सुरों से सजे इस गीत ने उस दौर में सनसनी मचा दी थी। इस गीत के जरिए दर्शकों पर गीता रॉय की रुमानी और शोक आवाज का जादू चल गया। चंचल आवाज में फिल्म की गायिका गीता रॉय ने देवानंद को इस गाने के जरिए जिंदगी का फलसफा समझाया तो ये सीधे दर्शकों के दिलों में उतर गया। यही गीता रॉय गुरुदत्त से शादी करने के बाद गीता दत्त के नाम से मशहूर हुई। बाजी से शाहिर और एसडी बर्मन की जोड़ी ने एक बार फिर अपना कमाल दिखा दिया, लेकिन इस मशहूर गाने की धुन और जिस तरह से इसका फिल्म में इस्तेमाल हुआ उससे शाहिर लुधियानवी खफा हो गए और इस बात पर उनका एसडी बर्मन से पहली बार झगड़ा भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज की पेशकश में हम यही दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। '51 की सुपरहिट फिल्म बाजी सुपरस्टार देवानंद ने अपने होम प्रोडक्शन नवकेतन के बैनर तले बनाई थी। बाजी फिल्म की कहानी बलराज साहनी ने लिखी थी और इसे डायरेक्ट किया था गुरुदत्त ने। महान फिल्मकार गुरुदत्त ने इस फिल्म में पहली बार निर्देशन किया था। इस गीत में गीता रॉय की आवाज की रेंज, शोखिया और चंचलता ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। टूटे हुए पतवार है कश्ती के तो हम क्या। ये गीत पश्चिमी संगीत और जैज धुनों से सराबोर था और इसमें गीता दत्त की आवाज में एक नई उठान, नई रंगत नजर आती है। भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव। फिल्मी दुनिया में गीता दत्त को ऐसी पार्श्व गायिका के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज की कशिश से सीधे करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों को छू लिया। उनकी जादुई आवाज का जादू आज भी संगीत प्रेमियों पर चल रहा है। जब उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया था तब पार्श्व गायन में लता मंगेशकर शिखर पर पहुंच चुकी थी, जबकि सुरैया, शमशाद बेगम और नूरजहां जैसी गायिकाओं का जलवा छाया हुआ था। ऐसी दिग्गज हस्तियों के बीच गीता दत्त के गाने नई ताजगी बनकर आए। वो सिनेमा की पहली ऐसी आवाज थी जिन्होंने दिग्गज गायिकाओं के मुकाबले में दर्शकों को गायकी में संवाद, अलहड़ता, दर्द, खुशी, प्यार, मादकता और चुलबुलेपन का एहसास कराया। गीता दत्त और देवानंद के इस गाने में देखकर लगता है कि ये गाना साहिर ने फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक ही लिखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दरअसल एक गजल है। ये एक किस्म का फ्यूजन था। साहिर की लिखी गजल को एक वेस्टर्न धुन में पिरोना अपनी तरह का एक अनोखा प्रयोग था। दर्शकों के लिए भी ये नया एहसास बनकर आया। इसी वजह से ये अनूठा गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि सिर्फ इस गीत को सुनने के लिए दर्शक बार बार फिल्म देखने आए। एसडी बर्मन ने पहली बार एक गजल में वेस्टर्न म्यूजिक का इस्तेमाल कर उसे मकबूल बना दिया। गजल पर इस तरह का प्रयोग करने की हिम्मत ही एसडी बर्मन का विजन दिखाता है। उस दौर में ये काफी बड़ी बात थी। इस गीत के बारे में एसडी बर्मन ने बताया था, इस फिल्म का सबसे मुख्य प्रयोग था एक गजल का प्रयोग। इसे पार्श्व गायिका गीता राय ने गाया था और जब फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी तो मैं भी चिंतित था, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। हालांकि उस जमाने में फिल्मी गीतों में प्रयोग शुरू हो रहे थे, लेकिन ज्यादातर संगीतकार शास्त्रीय गायन में भरोसा रखते थे, जबकि एसडी बर्मन का मानना था कि फिल्मी संगीत शास्त्रीय संगीत की शुद्धता दिखाने का माध्यम नहीं है। वो चुनिंदा गीतों के लिए काम करते थे और उनमें बेहतरीन धुन देने में विश्वास रखते थे। इस गाने की धुन और फिल्मांकन पूरी तरह पश्चिमी संगीत की शैली में हुआ था। गाने के दौरान हीरो हीरोइन और विलेन
तीनों ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी और आज के गायकों की तरह हाथ में गिटार लेकर ये पूरा गाना फिल्माया गया था। डरता है जमाने की निगाहों से भला की, निगाहों से भला की। ये गाना ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में फिल्माया गया था। गीता दत्त ने इस गाने को स्वर देकर यादगार बना दिया। देवानंद और गीता बाली पर फिल्माया ये खूबसूरत गाना सुपरहिट हुआ था। इसे एक बार सुनने के बाद मन में दोबारा सुनने का ख्याल जरूर आता है। गीता दत्त के गानों का क्रेज इसलिए भी ज्यादा है। हालांकि जब फिल्म की स्क्रीनिंग पर साहिर ने अपनी गजल का ये हाल देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उनका गुस्सा इस बात से और बढ़ गया कि एसडी बर्मन, जिन्हें सब प्यार से दादा कहते थे, ने एक गजल को बार डांसर का गाना बना दिया, वो भी वेस्टर्न म्यूजिक पर। इसे फिल्म की कामयाबी कहे या हिंदी फिल्मों के दर्शकों का सौभाग्य, साहिर और एसडी बर्मन के बीच का ये झगड़ा उस वक्त ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और बात वहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये पेशकश कैसी लगी? अगर आप ऐसे ही किसी विशेष किस्से के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, लाइक और शेयर भी करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।